मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस जहां एक तरफ अपराधियों पर नकेल कसने का काम शुरू की है, तो वहीं कम उम्र के नौजवान लड़के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुंब्रा में दिन दहाड़े वार किया गया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड गेट के पास ही 3/12/2021 की दोपहर करीब 1 बजे के आसपास मोहम्मद आजम से 3 लड़कों ने उसका रेडमी मोबाइल छीन लिया और उस पर हथियार से वार भी कर दिया। मोबाइल छीनने की और वार करने की वारदात में 3 लड़के शामिल थे, जिसमें कयूम 18 साल का है और बाकी के 2 लड़के वो नाबालिग हैं। मोबाइल छीनकर भागने के दौरान अचानक नगर के एक इमारत में लगे CCTV में इनकी तस्वीर कैद हो गई और इन तस्वीर के आधार पर मुंब्रा पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद आजम जो मुंब्रा खड़ी मशीन रोड के अमन कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और ये मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड के पास रोड पर जहां कचरा फेंका जाता है वहां पर खड़ा हुआ था, मगर तभी कयूम अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा और आजम से वहां खड़े रहने की वजह पूछने लगा। ये तीनों लड़कों ने मोहम्मद आजम को मित्तल ग्राउंड में लेकर गए और वहाँ उस पर वार किया और उसका रेडमी मोबाइल जो था वो छीन लिया और वहाँ से फरार हो गए। घायल अवस्था में इलाज के लिए भेजा गया और मोहम्मद आजम ने इसकी शिकायत भी मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। मुंब्रा पुलिस में संतोष उगल मुगले की टीम में अर्जुन जुआटकर, परब लोखंडे देवकर, इन लोगों ने CCTV फुटेज के आधार पर इन 3 लड़कों को गिरफ्तार किया और मुंब्रा पुलिस ने इन पर 394, 34 और आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कयूम को आज कोर्ट में पेश किया गया और बाकी के जो 2 नाबालिग लड़के हैं उनको भिवंडी के चिल्लर रूम में भेजा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आजम। ये 3 तारीख को आपके ऊपर मित्तल ग्राउंड में कुछ लड़कों ने वार किया था और आपका मोबाइल भी फोन छीना था, कैसे हुआ था पूरा मामला? दरअसल मैं मेरे चाचा को मिलने के लिए उधर गया था मित्तल के पास से और वहीं पे एक आगे मस्जिद है, ठीक मस्जिद उसमें, तो हम लोग इरादा ऐसा था कि वहाँ पे आके हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे साथ में। तो वो 3 लड़के कब आए हम लोग के पीछे से आके हम लोग को घेर लिए। घेरने के बाद में एक के हाथ में बहुत बड़ा चाकू था, उससे सीधा उसने मेरे को पेट पर वार किया और मेरे गले पे वार किया और हाथ पे वार किया, इधर इधर इधर, और कपड़े अंदर भी है बहुत ऐसा। मोबाइल भी छीना, वार पहले वार मारना शुरू किया, अभी बाद में देखा मोबाइल है तो मोबाइल लिए, मोबाइल को लेकर के फिर देखने लगे, बोले अच्छा चलो आगे आओ देते, ऐसा बोल करके गया और रोड के वो क्रॉस करके भाग गया सीधा। कितने लोग? टोटल 3 जन थे। कंप्लेंट वगैरह की? कंप्लेंट कर दिया, उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिए पुलिस ने, अभी वो लोग सब अंदर है। आज की तारीख में पुलिस ने 24 घंटे में बहुत अच्छा काम किया, ये अपने मुंब्रा पुलिस के लिए मैं उसको सलूट करता हूँ, मुंब्रा पुलिस के लिए उसने इतना अच्छा काम किया कि 24 घंटे में मेरे आरोपी को पकड़ के लेके आया।